हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है गंधराज चिकन या नींबू चिकन। ये गंधराज नींबू वेस्ट बंगाल में मिलता है, बहुत ही खुशबूदार है, आजकल ऑनलाइन में भी मिलता है। तो चलिए इसकी रेसिपी आप देखेंगे। ये बहुत ही यम्मी एंड डेलीशियस एक रेसिपी है। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बड़ा साइज का गंधराज नींबू, उसके पल्प और जूस मैंने निकल के रखा है। और दही चाहिए 250 ग्राम 1 किलो चिकन में। दही मैंने डाल दिया चिकन में। आप अदरक और लहसुन, ये यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है, आप पेस्ट भी इसमें दे सकते हो। यहाँ 4 टेबल चम्मच है अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ। 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे दिया है। आप इसको अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को, बहुत अच्छे से हमें इसे मैरिनेट करके रखना है 1 घंटा। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल बटन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। हमें अच्छे से मैरिनेट करना है कि चिकन के टुकड़े में अच्छे से लग जाए मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, मैरिनेट हो गया है। अभी इसे ढक के मैं 1 घंटा रखूँगी और ये रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में ट्राई करूँगी। आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। तो प्रेशर कुकर में मैं तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम सरसों का तेल, आप वाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। 50 ग्राम मतलब हाफ कप, और 2 तेज़पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 टुकड़ा इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी और 3 से 4 लौंग कूट के मैंने तड़का लगा दिया है। अब 2 बड़े साइज़ का प्याज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज का रंग चेंज हो गया है, हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूंगी और बहुत अच्छे से हमें चिकन को भूनना है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में बहुत सारे चिकन की रेसिपी है, चिकन महारानी, चिकन रेजाला, बहुत सारे चिकन की रेसिपी है, बादामी मुर्ग, मलाई मुर्ग। तो आप चाहो तो देख सकते हो, मैं कुछ लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत अच्छे से हमें चिकन को भूनना है। देखिए चिकन धीरे धीरे तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम लो में रख के हमें इसे भूनना है। धीरे धीरे तेल छोड़ने लगा है चिकन। फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें मैं ऐड करूँगी, अच्छे से भून गया है चिकन, ग्रेवी के लिए पानी। यहाँ मैंने गरम गुनगुना गरम जल यूज़ किया है, गरम पानी, तो आप भी गुनगुना गरम पानी यूज़ करना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन बनके तैयार है। यहाँ इसको मैंने 2 सीटी लगाया। इसमें आलू भी मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो आलू ऐड कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, पसंद ना हो। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है अच्छे फ्लेवर के लिए। और सर्विंग बोल में रखने के बाद इसमें मैं वो नींबू का जूस ऐड कर दूँगी और तुरंत इसको ढक दूँगी इसका फ्लेवर अंदर ही रहने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सर्व कर दिया है। बहुत बढ़िया खुशबू निकलते हैं इस चिकन की रेसिपी से। ये बहुत ही यम्मी है, स्पेशली गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम चावल रोटी पराठा के साथ खा के आप इंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।